हेलो गाइस, वेलकम टू द एजबडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के कमाल के अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हो कि एमसीयू में कैरेक्टर के अलावा उनकी बिल्डिंग्स भी काफी पॉपुलर होती हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल एवेंजर्स टावर, उसके बाद फैंटास्टिक फोर का टावर यानी कि बैक्स्टर बिल्डिंग, और देन आप जानते हो कि एक्समैन के लिए उनके लिए एक्सवियर, और आप सब जानते हो दूसरी बिल्डिंग ऑस्कॉर्प। तो ऑस्कॉर्प एक बिल्डिंग इतनी कमाल की बिल्डिंग है जो कि स्पाइडरमैन से सीधे कनेक्टेड होती है। पर अभी हाल ही में जो सेट फुटेज हमारे सामने आई है स्पाइडरमैन की फार फ्रॉम होम की, तो उसमें हमें ऑस्कॉर्प बिल्डिंग का छोटा सा क्लू मिला है। तो लग रहा है कि इन फ्यूचर हाँ, हमें स्पाइडरमैन में ऑस्कॉर्प बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप बिहाइंड द सीन फोटो देख रहे हो जो कि सेट फुटेज का है जिसको ऑस्कॉर्प लिखा हुआ है, तो इससे लग रहा है कि हाँ, हमें इन फ्यूचर वो बिल्डिंग देखने को मिलेगी। अब ऑस्कॉर्प बिल्डिंग से काफी सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले हमें जो क्लू मिला था वो था हैरी ऑस्बॉर्न जो कि ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑस्बॉर्न का बेटा है, और देन उसकी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ साथ फिर हमें काफी नए नए हाईटेक हथियार मिलने को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटिव है, जो कि उनके नए नए दुश्मन क्रिएट करते हैं। तो ऑस्कॉर्प बिल्डिंग सबसे बड़ी दुश्मन है स्पाइडरमैन की। अगर ये बिल्डिंग हुई इन फ्यूचर इस मूवी में, तो हमें काफी कुछ दिखने वाला है एमसीयू फेज 4 में स्पाइडरमैन 3 से रिलेटिव। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें। और गाइस, आपको ये वीडियो रियल में पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर ब्लैक बटन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत माना। बाय बाय, जा रहा हूं।